so I don't think so I will be good enough to teach them. The recent ones are well trained. आज ऑल सेंस कॉन्वेंट स्कूल नेटरी में दो दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ टीरी विधायक किशोर उपाध्याय ने बास्केटबॉल उछालकर किया। इस टूर्नामेंट में अलग अलग जिलों से 11 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। स्कूल प्रबंधक फादर फ्रांसिस्को ने बताया कि पहली बार इस प्रकार का टूर्नामेंट हमारे स्कूल में किया जा रहा है, जिसमें चयनित स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं। वहीं टीरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि इस प्रकार के टूर्नामेंट नेटरी में होते रहने चाहिए, जिससे बच्चों का बौद्धिक एवं शारीरिक विकास हो सके। उन्होंने कहा यहां पर खेल मैदान हो, जिसमें बाहर के बच्चे यहां पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सके। टीम यूके लाइव। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल को कि उन्होंने यहाँ टीरी के बच्चों को ही नहीं बल्कि और जितने विद्यालयों से यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं उनका एक उनको नई फॉर्म जो है यहाँ पर दिया है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसका आयोजन भी किया है। वैसे भी जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों, तब चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, वो नए नए मुकाम जो है स्थापित कर रहे हैं। मैं उनको बहुत वातावरण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है स्टेडियम बना सके, जिससे हर क्षेत्र में जो है यहाँ के बच्चों का भविष्य सुधर सके। और मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार ऑल सेंट्स कॉन्वेंट स्कूल न्यू टिहरी में ये 25th फादर कैशियस मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। पहाड़ में ये पहली बार हो रहा है। हमारे संस्था के लगभग 36 स्कूलों में सिलेक्टेड स्कूल्स बिजनौर जिले के, पौड़ी जिले के, उत्तरकाशी जिले, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं न्यू टिहरी के सिलेक्टेड स्कूल को यहाँ पर भेजा गया है। और इन्हीं टीमों में आपसी मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। तकरीबन 11 टीमें अलग अलग जिलों से आई हुई है और दो दिन का ये टूर्नामेंट चलेगा। और हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विधायक जी साथ साथ हमारे संस्था के बिशप स्वामी जी विंसेंट नलाय परमबिल और इसके कन्वीनर फादर जोमी और अन्य कई अतिथियों के द्वारा इस कार्यक्रम को सही ढंग से आयोजन करने के लिए सहयोग दिया गया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं, पूरे टिहरी को, टिहरी के सभी पत्रकार बंधुओं को और हमारे टीचर्स को और सभी जन को हम जो है धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में भी बेहतर कार्यक्रमों का हम यहां पर आयोजन करेंगे। आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।